तरफ लिखा जाता है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और दूसरी तरफ ये बांटने का काम कर रहे हैं। इसके राजनीति षड्यंत्र है। किसी वक्ता ने भी बाबा साहब का नाम नहीं लिया, जो कि आने वाले 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन भी है। इस प्रोग्राम से देश में क्या मैसेज जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ इन भाई साहब से। बाबा साहब को इन्होंने नेगलेक्ट करने की कोशिश की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी की वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं कि ये चमार समाज का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं मानेंगे। कुछ चुनिंदा लोगों का प्रोग्राम था ये। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया, और इस समय मैं तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हूँ, और तमाम लोग यहाँ पर हैं मेरे साथ इस समय। और चमार सम्मेलन हुआ है यहाँ पर, जहाँ एक तरफ बाबा साहब काशीराम का बड़ा विज़न था और वो बहुजनों की बात करते थे, 85% की बात करते थे, लेकिन अभी इस तालकटोरा स्टेडियम में चमार सम्मेलन हो रहा है, जातिगत सम्मेलन हो रहा है, और तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, वो बातें मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। ऐसे में कुछ लोग हैं जो इस प्रोग्राम के सपोर्ट में हैं, और कुछ हैं वो सपोर्ट में नहीं है। ये देखिए, ये हाँ, हम इस प्रोग्राम का ये जो समार अधिवेशन हो रहा है, हम इसके पक्ष में हैं, क्योंकि चमार जाति के नाम से पहले कभी ये सारी जातियाँ एक थीं, और कुछ लोगों ने चमार शब्द को है ना बुरा मान के चमार शब्द को हटाने की आवाज़ उठाते थे, तो वो सरकार ने उन्हीं के अनुसार ही, जो लोग इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाते थे उनके अनुसार ही सरकार ने अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेटों में चमार शब्द को हटाया। तो मतलब आपका कहने का मतलब जितनी भी 6,345 जो जातियां हैं वो सारी चमार जाति से निकली हैं? नहीं, सारी के इसे मैं तो है ना कह नहीं सकते, लेकिन इसमें से कुछ सैकड़ों जातियां कह सकते हैं, हजारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों जातियां कह सकते हैं। कुछ और लोग भेजी, क्या कहेंगे सर प्रोग्राम को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जो ये अधिवेशन रखा है चमार अधिवेशन 2023 तालकटोरा स्टेडियम में, हम इसके पक्ष में नहीं है। आगे एक तरफ लिखा जाता है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और दूसरी तरफ ये बांटने का काम कर रहे हैं। इसके राजनीति षड्यंत्र है, इसको हमें सोचना पड़ेगा। भाई साहब जी ने बोला कि 50 साल पहले खटीक हो धोबी हो, 50 साल पहले एक कास्ट सर्टिफिकेट में चमार शब्द लिखा जाता था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब ये 50 साल पहले लिखा जाता था, आज 2023 चल रहा है, इस प्रोग्राम से देश में क्या मैसेज जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ इन भाई साहब से। बताइए बताइए क्या मैसेज जा रहा है इससे? ये है ना कि जो लोग पहले है ना चमार शब्द को के झंडे के तले एक थे ना, तो वो अन्य जातियाँ जातियों के ओके और अनुसूचित जाति में अन्य जातियों के सर्टिफिकेट बनवा के ना वो चमार में से है ना अलग अलग हो गए। सारी जातियाँ सिर्फ चमार जाति के नीचे आ जाए। सर ऐसा है, आज जो सम्मेलन हुआ है ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नजर आ रही है। किसी वक्ता ने भी बाबा साहब का नाम नहीं लिया, जो कि आने वाले 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन भी है। दोनों ही महापुरुष हमारे लिए बराबर हैं, और इनको विचारधारा भी इक्वल है, और संत जी की विचारधारा तो बहुत 650 साल पहले होगी, उस विचारधारा को तो बाबा साहब ने संविधान में पिरोया है ना, उनका एक भी वक्ता ने नाम लिया, ये इसका मुझे इतराज है। बाकी 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 कुछ और जी। सर हम जो है ना, जो बाबा साहब को इन्होंने नेगलेक्ट करने की कोशिश की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्या संदेश जाएगा सर? अभी लगातार जो बहुजन समाज है वो 2024 में दलित प्रधानमंत्री देखना चाह रहा है, और वो जाति जो अम्बेडकरवाद को सबसे ज्यादा मानती है, जिसने अम्बेडकरवाद को पहले सीखा इस समाज में जी, ऐसा है शरारती तत्व और समाज को तोड़ने वाले लोग हर जगह होते हैं और यहाँ भी हैं। मुझे नहीं पता किस जो प्रोग्राम के आयोजक थे किसका खिलौना है, लेकिन ये समाज का प्रोग्राम हम नहीं मानेंगे इसको, कि ये चमार समाज का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं मानेंगे। कुछ चुनिंदा लोगों का प्रोग्राम था ये। चमार समाज, चमार कम्युनिटी बाबा साहब के साथ खड़ी है और बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाएगी, आगे बढ़ा रही है, और बाबा साहब की लिखी हुई हर एक बात को पत्थर की लकीर समझकर उसको आगे बढ़ा रही है, और हम बाबा साहब के जो है देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ऐसे प्रोग्राम से ना तो जातियाँ जोड़ेगी ना समाज जोड़ेगा। और समाज जोड़ने का जो कार्य करा था माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने करा था, और जो जमीनी स्तर पर जो लड़ाई कर रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी की, वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, और आने वाला टाइम दूर नहीं जब हम सत्ता में भी काबिज होंगे। हम इस विचारधारा पर जी भाई चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, ये सिर्फ समाज को तोड़ने का काम हुआ है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। बाकी बाबा साहब की विचारधारा के बगैर कोई गुजारा नहीं है।
ठीक है, ये छोटे छोटे अलग अलग सम्मेलन करके समाज को तोड़ने वाली बातें हैं, इससे जो है ना कमजोर होगा समाज, सबको साथ लेकर चले। अगर ये बहुजन समाज के नाम से सम्मेलन होता तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती और एक ताकत बनती, ये इसमें शायद किसी का षड्यंत्र नजर आ रहा है। जी, समाज तोड़ रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये चमार अधिवेशन हो रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि ये समाज न तोड़ने के लिए नहीं, समाज को जोड़ने के लिए ही हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है ये चमार अधिवेशन के नाम से, और ये चमार अधिवेशन के नाम से लोग यहाँ आए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं लोग, तो वो किसी अच्छी अच्छा होने की आस लेके आए हैं। बाबा साहब की फोटो नहीं रखी गई सर? बाबा साहब की फोटो बाबा साहब की तब रखी गई है फोटो? अच्छा, बाबा साहब की फोटो उसमें रखी हुई है, वैसे मैंने भी देखा है, अभी रखी है ना सर, काफी विरोध करने के बाद। लेकिन सर फिर एक सेकंड, अगर इस विचारधारा पे चलें तो जो लोग हमें चमार कह के गालियां देते हैं तो फिर तो एट्रोसिटीज एक्ट तो खत्म ही कर देना चाहिए, फिर केस दर्ज क्यों करवाने जाते हैं अगर इतना ही मान नाम है तो। ये सम्मेलन बहुजन नाम से होना चाहिए था। ये विचारधारा देखिए, जैसे बता रहे हैं कि अंदर काफी विवाद हुआ, बाबा साहब की तस्वीर तक की नहीं रखी गई है, मीरा कुमारी जी ने भाषणों में कोई ऐसे शब्द नहीं बोले जो समाज को जुड़ने वाले शब्द हों, और जितनी होल्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं ना उसमें बाबा साहब की ना किसी महापुरुषों की फोटो, तो इस तरीके से आप जाति जोड़ो समाज जोड़ो का नारा देके इस देश को जोड़ने का काम नहीं कर सकते। ये इस देश के साथ बहुत आने वाला समय वो दिन दूर नहीं जब हमें बांट कर और ये शासक बनेंगे। कई सम्मेलन होते हैं इसमें पूरे देश में, अलग अलग जातियों के सम्मेलन होते हैं, वाल्मीकि जाति का होता है, जाटव जाति का होता है, चमार जाति का जो ये प्रथम अधिवेशन था, और तमाम जातियाँ। सवाल ये उठता है कि इन जातियों ने, जाटव चमार जो जाति है, इन लोगों ने सबसे पहले अम्बेडकर को अपनाया, और आज ये अगर बहुजन समाज में सबसे अग्रिम जातियाँ बनी हुई तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को अपनाया और शासन सत्ता तक ये लोग पहुँच गए। लेकिन ऐसे में जब देश में इस तरीके के एक जाति का अगर सम्मेलन करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं सोच पर और उस मानसिकता पर, क्या वो अम्बेडकरवादी रह गई है या फिर वो भी मनुवाद के चक्कर में फंस चुकी है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम बातों के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।